देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन में ये कह रहे हैं एक ब्रूच है तुम्हारे पास दैट इज मेड विद अ सिल्वर वायर ठीक है तो मैंने देखो बच्चों एक वायर लिया सिल्वर पहले मैंने उससे बाहर का एक सर्कल बनाया ठीक है फिर मैंने क्या करा इसमें डायमीटर्स बनाए ऐसे करके ये पाँच डायमीटर्स हैं ठीक है पाँच एक दो तीन चार एक और ले लो पाँच ठीक है बच्चों सही है तो यहाँ पे जो डायमीटर की लेंथ है दैट इज़ थर्टी फाइव सेंटीमीटर तो तुम्हें पहले बताना है कि कितना वायर यूज़ हुआ उसकी लेंथ बतानी है ठीक है तो देखो बच्चों लेंथ ऑफ वायर का कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ वायर दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा पहले तो बच्चों मैंने पूरा इसका बाहर का सकम बनाया है क्या नहीं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टू पाई आर ठीक फिर क्या करा मैंने ये फाइव डायमीटर्स बनाए है ना तो मतलब पाँच मैंने डायमीटर्स बनाए इसकी लेंथ ठीक है आसान है अब समझ में आ गया कैसे आया चलो टू इं टू ट्वेंटी टू बाई सेवन ले लेते हैं इसे है ना ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस रेडियस जब डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा थर्टी फाइव बाई टू ठीक तो ये लग लो थर्टी फाइव बाई टू प्लस फाइव इंटू डी इज़ थर्टी फाइव ठीक है कुछ मसला नहीं है चलो इससे ये गया सेवन फाइव आर थर्टी फाइव ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू इंटू फाइव इज़ वन हंड्रेड एंड टेन फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन कितना आ जाएगा टू एट फाइव सेंटीमीटर्स दिस इज लेंथ ऑफ द वायर यूज ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर मैं जो सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब हर सेक्टर का एरिया निकालो तो बच्चों हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि radius गिवन है, लेकिन थीटा नहीं है थीटा भी निकाल सकते कैसे देखो बच्चों टोटल जो सर्कल का कितना एंगल होता है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री होता है ठीक है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है काउंट करो जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस पार्ट में थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री एंगल मिल रहा है मुझे है कि नहीं दस पार्ट में इतना एंगल मिल रहा है तो एक पार्ट का कितना एंगल हो जाएगा बच्चों यही तो पूछा है ना तो एक पार्ट का हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई टेन ये हो जाएगा तुम्हारे पास थर्टी सिक्स डिग्रीज ठीक है तो एच पार्ट का जो थीटा आएगा यहां पर जो थीटा आएगा दैट विल बी थर्टी सिक्स डिग्रीज ठीक है क्लियर अब तुम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी पाई आर थीटा हेयर इज़ थर्टी सिक्स 360 थ्री सिक्सटी 22 इज़ ट्वेंटी टू बाय सेवन आर इज़ थर्टी फाइव बाय टू इंटू थर्टी फाइव बाय टू ठीक है ये आ जाएगा तुम्हारे पास टेन ठीक ये आ जाएगा फाइव सेवन जार थर्टी फाइव ये हो जाएगा टू वन ज टू टू वन ज ठीक फिर ये जाएगा फाइव टू ज टेन फाइव सेवन जार थर्टी फाइव ठीक है अब इलेवन सेवन फाइव जार थर्टी फाइव इंटू इलेवन ये कितना हो जाएगा थ्री एटी फाइव डिवाइडेड बाय टू टू जार फोर ठीक है मीट एम एम मीटर स्क्वायर ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी ठीक ये क्या आ गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर ठीक अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर वो टेन पर